हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन खीमे के हलवा स्टाइल समोसे। इसके लिए हमने 1/4 kg मैदा लिया है, 1/2 kg मटन लिया है। चलिए अब हम समोसों के लिए डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 teaspoon हमने नमक लिया है, ऑयल और घी है ये, अब हम इसे भी ऐड कर लेंगे। हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मटन खीमे के समोसे है। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से मिला लेंगे। हमें इसका डो टाइट गून लेना चाहिए, तभी हमारे समोसे खस्ता बनेंगे। पानी को हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, समोसों के लिए हमने डो रेडी कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और ये 1/2 kg मटन है, इसे हम घर में ही ग्राइंडर जार में इसका खीमा बना लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समोसों के लिए खीमा रेडी कर लेंगे। 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 3 हरी मिर्च मैंने चॉप कर लिए हैं, 1 कटोरी हरा धनिया, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इस खीमे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने खीमा रेडी कर लिया है। अब हम इस खीमे को बघार लेंगे। खीमा बघारने के लिए हमने नॉनस्टिक कढ़ाई रख ली है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें ऑयल कम ही रखिएगा, वरना हमें समोसे बनाते वक्त मुश्किल होगी। 2 मीडियम प्याज मैंने काट लिए हैं। अब इसे मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। लीजिए, प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। अब हम इसमें खीमा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हमें भून लेना है। ये देखिए, खीमा हमारा सारा खुल चुका है। अब हम इसमें 1/2 glass पानी ऐड करेंगे और लिड लगाकर 20 मिनट के लिए इस खीमे को पका लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, खीमा हमारा पक चुका है। हमने इसका सारा पानी सुखा लिया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम समोसे बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको समोसा बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने चावल का आटा और घी का इस तरह से साटा रेडी कर लिया है। आज हम समोसे साटे वाले बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें एक घोल रेडी कर लेना है। और मैंने एक पार्ट बेल लिया है, वो इस तरह से पतला होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसमें से नीचे का चकला दिख रहा है। अब हम इस पर इस साटे को डालकर अच्छी तरह से हाथों से पूरे पार्ट पर रब कर लेंगे। इसी तरह के मैंने 5 पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको इस पार्ट के ऊपर हमें और एक पार्ट डालना है और इस पर भी हमें इसी तरह से इस साटे को लगा लेना है। इसी तरह से हम पूरे पार्ट्स का एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, हमने 5 पार्ट्स इस पर डालकर साटा लगा लिया है। सादे समोसे तो आप बहुत खाए होंगे, आप इस तरह से बनाकर खाइए।
खाने में ये बहुत ही लजीज लगेंगे और बहुत क्रिस्पी रहेंगे। अब मैं इसका पेड़े के लिए इस तरह से इसे लपेट लूंगी और इसे अच्छी तरह से हमें हाथों से इस तरह से इसे इस तरह से रब कर लेना है। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमें रोल बना लेनी चाहिए। और अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। आप बड़े या छोटे अपने हिसाब से कर लीजिए। आप ये देखिए कितने सारे पदर लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इस तरह से इसे प्रेस कर लेना है और इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब समोसे के लिए हम शीट तैयार कर लेंगे। हमें इसे राउंड में नहीं बेलना है, हम इसे एक शेप में बेल लेंगे। ये देखिए, आपको इसी शेप में समोसे की शीट बेलना है। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से सेंटर से एक कट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस साइड इस तरह से दोनों पार्ट्स पर पानी लगा लीजिए और इस तरह से इनको उठाकर इस तरह से आप यहाँ पर पकड़कर एक उंगली अंदर डाल दीजिए और इस तरह से आप इसे जॉइंट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। ये देखिए, समोसा हमारा कुछ इस तरह का बन चुका है। अब हम इसमें इस खीमे की फिलिंग भरेंगे। ये देखिए, और हमें इस साइड लाकर इस पर इस तरह से प्रेस कर देनी है और इसे इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। अगर प्रेस करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो इस तरह से आप थोड़ा पानी लगा लीजिए। ये देखिए, इस शेप के कुछ इस तरह से हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह के हम सारे समोसे बना लीजिए। फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सारे समोसे बना लिए हैं। अब हम इन्हें तल लेंगे। ये देखिए, हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें इन समोसों को डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसे अच्छी तरह से इस पर हमें इस तरह से तेल को इस पर उछालना है और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, समोसे हमारे अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें इस तरह से इसे अच्छी तरह से ऑयल को अच्छी तरह से इसे ड्रेन कर लेंगे और अब ऑब्जर्विंग पेपर पर इन्हें निकाल देंगे। ये देखिए, समोसे हमारे कितने खस्ता बन चुके हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मटन खीमे के समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये आपको देखने में बिल्कुल हलवा स्टाइल जैसे लग रहे हैं। आप देखिए इसका खस्तापन, ये देखिए किस तरह से
लेयर इसके गिर रहे हैं। ये बहुत खाने में मज़ेदार लगते हैं, आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।